पॉपअप कैमरा अब एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन आसुस ज़ेनफोन 6 ने इस ट्रेंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। नॉच को खत्म करने के लिए कंपनीज पॉपअप कैमरा यूज करती हैं, लेकिन आसुस का ज़ेनफोन 6 आपको एक अलग ही तरह का मैकेनिकल कैमरा देता है। आसुस ज़ेनफोन 6 को कंपनी ने स्पेन में एक इवेंट में लॉन्च कर दिया है। ज़ेनफोन 5G के स्पेक्स के आधार पर फोन को अच्छा कहा जा सकता है। ये फोन स्नैपड्रैगन के 855 प्रोसेसर के साथ आता है और फोन हमें दो अलग अलग रैम वेरिएंट में देखने को मिलता है, एक 6GB रैम और दूसरा 8GB रैम, और इंटरनल स्टोरेज हमें इसमें 256GB तक मिलती है। फोन को चालू रखने के लिए कंपनी ने इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी है। फोन क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करता है और हम इसे 18W के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। हालांकि फोन के कैमरा मॉड्यूल पर हमारा ध्यान ज्यादा था, सैमसंग गैलेक्सी A80 की ही तरह इसमें एक का फ्लिप कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन ज़ेनफोन 6 की खास बात यह है कि हम कैमरा के एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ेनफोन 6 आता है 48MP के प्राइमरी कैमरा और 13MP के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ, जो फ्रंट और रियर दोनों कैमरों का काम करता है। इस कैमरा को डिज़ाइन करने में कंपनी ने इसमें अपना बहुत सारा इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया है और फोन बिना नॉच के बेहद खूबसूरत दिखता है। ज़ेनफोन 6 से हम सभी एंगल्स में फ़ोटो तो ले सकते हैं, पर ये तो हम नॉर्मल फोन्स में भी ले सकते हैं, तो हमें ये रोटेटिंग कैमरा की ज़रूरत क्यों है? आसुस ने क्लेम किया है कि ये कैमरा हमें पैनोरामा फोटोज या वीडियो शूट करने में और फेस अनलॉक में ज़्यादा काम आएगा। ये एक स्मार्ट सोच है कि रियर कैमरा ही फ्रंट कैमरा की तरह यूज़ हो, पर क्या सच में आसुस को इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत थी एक फ्री एंगल शॉट के लिए? फिर भी 48MP का फ्लिप कैमरा काफ़ी अच्छा काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 12MP की फ़ोटो खींचता है और आपको 48MP की पिक क्लिक करने के लिए स्विच करना पड़ेगा। फ्लिप कैमरा में ज़्यादा गियर्स यूज़ होते हैं ताकि वो आसानी से फ्लिप हो सके। हमने जब इस फ़ोन को यूज़ किया तो इसकी स्पीड को देखकर हम हैरान रह गए। समस्या केवल फेस अनलॉक में आती है, इसमें आपको खुद स्वाइप करना पड़ेगा ताकि फ़ोन आपका फेस डिटेक्ट कर सके। एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है, वरना कैमरा बार बार फ्लिप करेगा जब आप फ़ोन को अनलॉक नहीं भी करना चाहते हो। फ़ोन में आपको एक ग्रेविटी सेंसर भी मिलता है जो फ़ोन के गिरने पर सेंस कर लेता है कि फ़ोन गिर रहा है और इसका कैमरा तुरंत बंद हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसा हमने हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 7 Pro में भी देखा है। हमने इस सेंसर को टेस्ट किया और 5 में से 4 बार कैमरा बंद हो गया। फ्लिप कैमरा पैनोरामा में काम आता है, बस एक टैप और कैमरा ऑटोमेटिकली 180 डिग्री पैनोरामा फोटो क्लिक कर लेता है। आपको फ़ोन हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन में आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग फीचर भी मिलता है जो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, और इसका कारण ये हो सकता है कि ये फ़ोन अभी प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर पर चल रहा था। दरअसल इस फ़ोन का कैमरा मूविंग ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करता है और उसी के हिसाब से कैमरा मॉड्यूल भी ऑटोमेटिकली मूव करता है। लेकिन हमारी रिव्यू यूनिट यानी जो कैमरा हमें रिव्यू के लिए दिया गया था, वो ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से ट्रैक नहीं कर पाया। ऑब्जेक्ट के तेज़ मूव करने पर ये काम नहीं कर पा रहा था। और भी कई कैमरा फीचर्स हैं जैसे HDR+ जो कि पिक्सल के HDR जैसा ही है, और इसमें नाइट मोड फीचर भी है जो मल्टीपल फोटोज लेता है जिससे कि डिटेल्स को बढ़ाया जा सके। आसुस ज़ेनफोन 6 निश्चित रूप से दिलचस्प डिवाइस है, इसमें इंजीनियरिंग का ज़बरदस्त कमाल नज़र आता है। ये फ़ोन कैसा काम कर रहा है इसके बारे में बताएंगे हम आपको अपने रिव्यू में। आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इससे फ़ोन का कैमरा कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।